तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर चुके हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है KQ/R होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे तो वी विल अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी द स्केलर एडिशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स V1+V2+V3 एंड सो ऑन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए बॉडी, है ना, कंटिन्यूस बॉडी की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से। तो उसमें से हम लोग कुछ एग्जांपल्स बच्चों देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी कुछ कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज़ की वजह से, उसी तरह से हम यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। बाकी कुछ हम इसके बाद जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, ये सारी चीज़ें, कंडक्टिंग सेल, ये सब नहीं पढ़ा है। तो जिसके बाद जस्ट हम गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ, और उसके बाद हम लोग यहाँ से हमारा बेसिक पार्ट कवर हो जाएगा पोटेंशियल तक, और ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये पूरा अप्लाई होगा आगे नेक्स्ट फेज में, ठीक है ना। तो वो जो बॉडीज़ आपकी रह गई हैं, स्फीयर हो गया, ठीक है ना, सिलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो कुछ कंटिन्यूस चार्ज बॉडी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रिंग हो गया, डिस्क हो गया, आर्क हो गया, है ना। तो चलिए कुछ एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे बेटा हमें लिखना हो, अगर मान लो ड्यू टू एन आर्क, एक आर्क है, ठीक है ना। सपोज ये आर्क हमारा इस तरह का आर्क है, और ये इसका सेंटर है O, ये रेडियस R है, और इस नॉन कंडक्टिंग आर्क पे, मतलब ये कोई भी आर्क है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज है Q। अब हमें पता है कि O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, अगर आपको याद हो, पूरा एंगल अगर फाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, क्या थी, 2K λ/R साइन फाई बाई टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती थी और इसकी रिजल्ट वैल्यू इस डायरेक्शन में होती थी, पर पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आप समझ लो, अगर पोटेंशियल हमें निकालना है, इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम कोई भी यहाँ पे किसी भी एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, यहाँ पे सपोज ये एलिमेंट डी क्यू है चार्ज इसका, है ना, डी क्यू वन है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से होता है KQ/R, तो KdQ/R, इसके बगल वाला DQ2, DQ3, DQ4, जितने भी चार्जेस होंगे, मान लो ये DQ1 है, प्लस KdQ2/R, प्लस KdQ3/R एंड सो ऑन, जितने भी चार्ज होंगे आर्क पे, सभी से डिस्टेंस इक्वल होगी जो कि रेडियस के बराबर होगी। तो आप देख सकते हैं कि K/R कॉमन आ जाएगा DQ1+DQ2, तो एक तरह से ये इंटीग्रेशन ऑफ DQ है, जिसकी नेट वैल्यू ये होगी। तो पोटेंशियल जो होगा वो सिंपल KQ/R होगा, जहाँ पर जो Q है ये टोटल चार्ज ऑन द आर्क, आर्क पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आप कोई भी यूनिफॉर्म केस होगा, यूनिफॉर्म आर्क हो, जैसे मान लो अगर इस ये एक आर्क है, इस पे प्लस Q चार्ज है, और मान लेते हैं ये भी एक सिमिलर आर्क है, रेडियस आर है दोनों की, इस पे -2Q चार्ज है, इस हाफ पे -2Q, इस पे +Q है, और आपको O पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो देखो, इस पूरे चार्ज से हर पॉइंट पे डिस्टेंस आर है, तो जब हर पॉइंट से डिस्टेंस आर होगा तो सिंपल पॉइंट चार्ज वाला ही पोटेंशियल आएगा KQ/R, इसकी वजह से होगा, प्लस इस -2Q की वजह से K -2Q/R होगा, इससे भी आर डिस्टेंस पे होगा टोटल चार्ज, है ना। तो नेट पोटेंशियल जो O पॉइंट पे आएगा, दैट इज -KQ/R, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से कोई भी अगर इक्वल डिस्टेंस पे सारे चार्जेस हैं, ठीक है, सारे चार्जेस अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो हमेशा आप कोई भी केस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए O पॉइंट पे हैं और बहुत सारे चार्जेस सराउंडिंग में रखे हैं, डिस्क्रीट चार्जेस हों, Q1, Q2, Q3, Q4, है ना, अगर ये सबकी डिस्टेंस R है, ऑल द पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस आर, है ना, ये सबकी आर डिस्टेंस है अगर,
तो तुम देखो जब ओ पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे तो के क्यू वन बाई आर प्लस के क्यू टू बाई आर प्लस के क्यू थ्री बाई आर सॉरी प्लस के क्यू फोर बाई आर। तो जब ओ पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे तो के क्यू बाई आर तो कॉमन आएगा और ये क्यू टोटल हमेशा आएगा, मतलब चाहे वो आर्क हो या कोई सर्कुलर चार्ज, इक्वल डिस्टेंस पे जब सारा चार्ज मौजूद होगा, जितना भी सराउंडिंग में चार्ज है वो एक पॉइंट पे हो या कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जैसे यहाँ पर ये कंटिन्यूस, तो बस Q टोटल चार्ज, यहाँ पे टोटल चार्ज माइनस क्यू था तो K माइनस क्यू बाई आर हो जाएगा, है ना। जैसे अगर रिंग ले लें सर्कुलर रिंग, तो अगर सर्कुलर रिंग ले लेंगे तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, पूरे पे चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिमेट्रिक है तो जीरो होगा और ये के क्यू टोटल डिवाइड बाय आर होगा और क्यू टोटल होगा लैम्डा इंटू लेंथ टू पाई आर, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू टू पाई आर बाय, तो ये के लैम्डा टू पाई, दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, ठीक है ना। कोई भी हो इक्वल डिस्टेंस पे अगर चार्ज, ये रिंग है हमारी, है ना, अगर मान लो हॉलो शेल होगा, अगर ये गोला है मान लेते हैं, शेल है, ठीक है, आर रेडियस का है और इस पे टोटल चार्ज क्यू है, पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू है, तो भी आप देख सकते हैं कि ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी हर चार्ज की वो कैपिटल आर होगी, तो यहाँ पर भी ओ पॉइंट का पोटेंशियल आर है, ठीक है ना। तो एक बिल्कुल सिमिलर केस है, मिलते जुलते केसेस हैं, ये आप समझ सकते हो। अगर बच्चों नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिचुएशन कैसे हम हैंडल करेंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए एक केस देख लेते हैं हम लोग। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, जैसे मान लेते हैं आर्क है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है तब तो चार्ज दिया जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक हमारे पास ये आर्क है, आर रेडियस है और इस पे क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है और चार्ज डेंसिटी का फंक्शन है लैम्डा नॉट कॉस थीटा, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब बच्चों अगर हमको ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इसे बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखो बेटा जो भी यहाँ पे चार्ज मौजूद होगा, लेट इस आर्क पे कोई भी चार्ज ले लोगे, यहाँ पे डी क्यू ले लोगे सपोज, यहाँ पे ना थीटा पे अगर मैं डी थीटा का एलिमेंट मानूँ जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं मानता था, तो यहाँ पे जो चार्ज डी क्यू आएगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल डी वी आएगा वो हो जाएगा के डी क्यू डिवाइड बाई आर, क्योंकि डिस्टेंस आर होगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा छोटा सा एलिमेंट। अब जब पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसके कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन डी वी, तो ये के बाई आर कॉमन आएगा इंटीग्रेशन डी क्यू, तो के बाई आर इंटीग्रेशन डी क्यू, तो आप देख सकते हैं डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब के क्यू टोटल बाई आर, वही बात होगी। मतलब चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपको किसी तरह अगर इस आर्क पे टोटल चार्ज पता चल जाए तो डिवाइड बाई डिस्टेंस आ जाएगा इसका पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब बहुत सिंपल तरीका है कि हम टोटल चार्ज कैसे निकालें, हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है और ये वेरिएबल है थीटा के साथ वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम डी क्यू लिखें, इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना है, तो लैम्डा इंटू डी एल, है ना, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, बहुत स्मॉल लेंथ के लिए हम लैम्डा को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, है ना। तो बहुत छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो चार्ज डेंसिटी ये है और उसकी जो लेंथ होगी वो आर डी थीटा होगी, है ना। तो सीधे सीधे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल चार्ज बाद में आप पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, तो टोटल चार्ज आ रहा है लैम्डा नॉट आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा जीरो से पाई बाई टू। अब अगर यही बेटा सेमी सर्कल होता पूरा तो जीरो से पाई लिमिट लगा लेते, कंप्लीट सर्कल होता और यही चार्ज डेंसिटी दी होती तो जीरो से टू पाई लिमिट आ जाती। तो बस आपको टोटल चार्ज निकालना है एनी हाउ, और कुछ नहीं करना। तो ये लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा पाई बाई टू से जीरो, तो लैम्डा नॉट आर आ जाए, इतना बेटा आपको टोटल चार्ज आ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या आएगा बेटा,
तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इट इज के क्यू टोटल लैम्डा नॉट आर डिवाइड बाय आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, इट इज के इनटू लैम्डा नॉट। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल ओ पॉइंट पे मिल जाएगा। अब इसी चीज़ को घुमा के पूछ सकता था कि बताइए ओ पॉइंट पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में किसी पॉइंट तक जो वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल होता है। डेफिनेशन है ये पोटेंशियल की। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पोटेंशियल जब पूछता है तो अक्सर ये नहीं बोलता है कि पोटेंशियल निकालिए, वो ये बोलता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये तो हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल के, जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे, किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सारा का सारा चार्ज है, चाहे वो शेल हो या रिंग हो या आर्क हो, ठीक है, या डिस्क्रीट एन चार्ज पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे रखे हो, ठीक है, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कॉन्टिन्यूस पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम और करेंगे, ठीक है, एक डिस्कशन और करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन रॉड, एक थिन रॉड है उसकी वजह से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये एक पतली सी रॉड है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, लैम्डा कूलम पर मीटर है और इसका टोटल लेंथ एल है और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। यहाँ से एक पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो हमें बताना है फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, है ना। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल बच्चों कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस थिन रॉड, ठीक है। तो इस थिन रॉड की वजह से, तो बिल्कुल एलिमेंट लेने का इलेक्ट्रो में सिमिलर तरीका होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन किया था, ये कूलम फोर्स में क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन, पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए इसको इंटीग्रेशन के थ्रू, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। क्लास में मैं इसीलिए पहले क्वेश्चन देता हूँ, आप उससे करवाता हूँ कि आप उसको करिए, ट्राई करिए, देन बताता हूँ, ठीक है। बट मैं को चाहूँगा कि वही आप सिनेरियो फॉलो करिए और सबसे पहले आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। इस रॉड की वजह से क्यू गिवन है, एल गिवन है, लैम्डा इज़ नॉट गिवन। कभी कभी लैम्डा के टर्म में भी डेटा दे सकता है तो क्यू नहीं देगा। तो आपको क्यू, एल और डी के टर्म में आंसर बताना है पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू दिस थिन रॉड, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, देन आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर देखना है तो मैं एक बार डायग्राम रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक थिन रॉड है हमारे पास जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो अगर मैं पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स का एलिमेंट मानूँ ये वाला, ठीक है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स, तो इस पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, ठीक है। हमेशा जब भी रॉड का इस सिचुएशन में हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स का एलिमेंट मानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम चार्ज देखेंगे कि चार्ज कितना है उस एलिमेंट पे। तो चार्ज ऑन एलिमेंट होगा लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू डी एक्स। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो लैम्डा विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, जो फंक्शन दिया जाए वो पुट कर देना। बट अगर यूनिफॉर्म है तो हम पढ़ा चुके हैं लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, तो ये आपका डी क्यू आ जाएगा। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो वी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंट एट पॉइंट पी इज डीवी इक्वल टू, ठीक है, डीवी इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाय एक्स, है ना। ये आपका सिंपल हो जाएगा, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा लिया तो के क्यू डिवाइड बाय एल डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा, ओके। तो ये बच्चों पोटेंशियल हो जाएगा। अब पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि आपको कंपोनेंट करके देखने हैं ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो पोटेंशियल सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, सो इट इज़ के क्यू बाई एल डी एक्स डिवाइड बाई एक्स। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। एक्स की लिमिट, सबसे पहला एलिमेंट जो मिलेगा वो एक्स इक्वल टू डी पे मिलेगा, तो इनिशियल लिमिट डी होगी और फाइनल डी प्लस एल होगी।
तो के क्यू बाई एल बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, डी से डी प्लस एल इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो v की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई एल, और ये इंटीग्रेशन एल एन एक्स आएगा, ठीक है, ये d, ये d प्लस एल, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो ये आ रहा है के क्यू बाई एल एल एन, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे d प्लस एल माइनस एल एन डी, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई एल एल एन डी प्लस एल डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, ये पूरे में। तो ये हमारा पी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब पी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में किया गया वर्क डन, ठीक है। अब अगर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ लूँ, अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूँ थोड़ा सा, मैं अब हमेशा बता चुका हूँ, अगर इसी क्वेश्चन को मैंने ये पूछा होता कि एक रॉड है, थिन रॉड है, और एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट यहाँ से डी डिस्टेंस पे, तो बताओ इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी के दौरान कि जब भी हमें एक बॉडी और एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट, हम ये फॉर्मूला बच्चों नहीं लगा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम या तो एलिमेंट लेके पोटेंशियल एनर्जी के लिए इंटीग्रेट करें, इस रॉड का एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट मानेंगे, फिर उस डी क्यू की और क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर डी यू उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। तो किसी भी पॉइंट, जब भी किसी बॉडी और किसी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो जिस पॉइंट पे हमने पॉइंट चार्ज रखा है उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू पॉइंट चार्ज, आप इस तरह से भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ये डेफिनेशन ही है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, v इक्वल टू यू बाई क्यू, सो u इक्वल टू क्यू इंटू, इसका मतलब है फील्ड में जिस पॉइंट पे हमने चार्ज को रखा है उस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज, ठीक है, इंटरेक्टिंग पोटेंशियल, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज इन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्रोड्यूस कर रखी है। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस किया गया है इनटू दिस पॉइंट चार्ज। तो अभी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो क्यू नॉट और पोटेंशियल अभी भी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है तो के क्यू बाई एल एल एन डी प्लस एल डिवाइड बाई डी, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना बेटा। बाकी आप चाहें तो शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं कि आप शुरुआत से बिल्कुल इंटीग्रेट करिए, एलिमेंट लीजिए, जैसे अभी पोटेंशियल में लिया है उसमें डी क्यू चार्ज बनेंगे एलिमेंट लेके, उस डी क्यू की पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ एक्स डिस्टेंस पे लेंगे और वो डी यू आएगी, डी यू होगी के डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स, और फिर डी क्यू की वैल्यू पुट करके आप उसे इंटीग्रेट करेंगे डी से एल प्लस डी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। ओके, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन रॉड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करिए, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक थिन रॉड है, फाइनाइट लेंथ की थिन रॉड है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ की थिन रॉड है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे, टोटल चार्ज क्यू है, टोटल लेंथ एल है, ठीक है, तो इस पूरे पे चार्ज क्यू है और ये टोटल लेंथ एल है, ठीक है, तो ये एल बाई टू इधर हो जाएगी, एल बाई टू इधर हो जाएगी, तो ये पॉइंट पी है, तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप सिंपल, अगर इसे मैं एक्स की जगह डी कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, अब आप यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स एलिमेंट लीजिए, उसकी वजह से ये डिस्टेंस आएगी, वैसा ही एलिमेंट इधर आएगा, तो अगर सिर्फ इतने का पोटेंशियल जीरो से एल बाई टू तक एक्स में लिमिट लगेगी और उसका डबल कर देंगे तो चूंकि स्केलर है जितना इसका होगा उतना इसका होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा।
तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे ग्रुप पे डाल सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं विद डायग्राम, ठीक है, मेंशन करते हुए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो ये आपके लिए होमवर्क, इसे ट्राई करिए। अगर बहुत सारे लोगों का डाउट आएगा, नहीं होगा, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क।